आप सामने देख सकते हैं दीपक फास्ट फूड। तो आज देखते हैं इनके पास क्या क्या है, कितना अच्छा लगाते हैं ये। तो आप देख सकते हैं कलीजी पनीर साठ, रुमाली रोटी, रुमाली रोटी चाप साठ, रोस्टेड पनीर टिक्का, रुमाली रोटी मलाई चाप, स्प्रिंग रोल। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने सब यहाँ पे लगाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। आप देख सकते हैं इनका प्रोसेस, और ये सामने लगे हुए हैं इनके पनीर टिक्का। तो ये आप देख सकते हैं ये इनका सेटअप है, रुमाली रोटी का सेटअप। तो भैया यहाँ पे रुमाली रोटी जो है बनती है, और आप देख सकते हैं सामने आ जाते हैं इनके पनीर टिक्का। तो आप देख सकते हैं रुमाली रोटी बनती हुई किस किस तरीके से बनती है। तो ये आ जाती है यहाँ पे, और ये भैया ने बेकना मतलब इसको गोला गोला बनाना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से भैया ने ये घुमाया घुमाया, और ये भैया ने कर दिया कितना अच्छा और खूबसूरत तरीके से बन रहा है। वाह, और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत तरीके से बन रहा है। वाह, और ये आपका आ गया। वाह, खूबसूरत तरीके से रुमाली रोटी की मेकिंग हो रही है। वाह, बन गया भैया। तो ये भैया बनाने वाले हैं, तो इन्होंने जो है ये रोटी जो है बना दी। सो अब आप देख सकते हैं ये पनीर टिक्का बनता हुआ। ये भैया प्याज काटते हुए, अरे भैया नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए आपको। तो ये गया कढ़ाई में, इनका कुछ अलग ही स्पेशल तरीके से बना रहे हैं भैया। बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है। प्याज बढ़िया से डाल दो भैया, दो जगह प्याज कर देना भैया। ये भैया की चटनी है, हरी चटनी। ये भैया का मसाला हो गया। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है। और ये गया यहाँ पे, और ये फिर से आया यहाँ पे, और ये गया फिर से यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आप ये पैक होता हुआ तेल, इसमें अच्छे तरीके से कढ़ाई में फ्राई करके बनाया भैया ने, तो क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी। है ना,
है क्या खाना है? देख लो भाई, और दे दे भाई।